नमस्कार, DDUP को है परवाह आपके स्वास्थ्य की। हम लेकर आए हैं सेहत आपकी। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी हम एक ऐसी बीमारी की जानकारी लेकर आए हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए हैं। जी हाँ दर्शकों, हमारे आज के एपिसोड का विषय है डिप्रेशन की काली छाया को कैसे पहचाने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में हर 4 में से एक व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी रूप की मानसिक बीमारी से ग्रसित रह चुका है। और अगर कहा जाए पूरे विश्व के पॉपुलेशन के अनुसार तो करीब 450 मिलियन लोगों को अवसाद है। अवसाद यानी डिप्रेशन है। और अगर हम भारत की बात करें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति को अवसाद है और लगभग 15% लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी रूप की मानसिक बीमारी हुई है। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के पास। हमारे आज के शो के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमंग खन्ना। आप होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में। धन्यवाद। तो दर्शकों, समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट डॉक्टर आपके साथ। डिप्रेशन इस वक्त का बहुत मुख्य विषय है। आपने जो विषय उठाया है वो वास्तव में बहुत मुख्य विषय है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन सैडनेस की वो स्थिति है जो कि बहुत लंबे वक्त तक रहती है और जिसमें आपका बिहेवियर भी ऑल्टर होता है और लगातार आप उस स्टेट में बने रहते हैं। आमतौर पे हम सब लोग दुख के एक माहौल में आते हैं, एंजाइटी के माहौल में आते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब आपका यह जो चेंज है यह आपका परमानेंट हो जाता है तो यह डिप्रेशन की स्थिति में होता है। डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति एक दुख की स्थिति में रहता है, डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति में रहता है, ग्रीफ की स्थिति में रहता है और सौरव की स्थिति में रहता है। उसका सारा सेंस ऑल्टर हो जाता है। तो ये डिप्रेशन इस तरह की चीज़ है जो आपको नॉर्मल वर्क से, नॉर्मल स्थिति से ऑल्टर कर देती है और समाज में आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो भावना महसूस होने लगती है यही एक तरह से आपके अंदर डिप्रेशन की स्थिति है, अवसाद की स्थिति है। जैसा कि आपने कहा ये बहुत कॉमन है। 350 मिलियन लोगों को WHO के हिसाब से डिप्रेशन की स्थिति में हैं और उससे जूझ रहे हैं। और हिंदुस्तान में धीरे ही सही लेकिन जो साइकेट्री का विषय है जो कि डिप्रेशन को डील करता है वह एक प्रमुख स्थिति लेता जा रहा है। जो कि पहले समझा जाता था केवल 60 साल के व्यक्ति को ही जीरियाटिक केंद्र में जाना है, वहाँ पर अपना साइकोलॉजी का इलाज कराना है। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज छोटे से बच्चे से लेके तमाम बड़े से बड़े व्यक्ति तक डिप्रेशन में है, एक अवसाद में है, एक दुख की कंटिन्यूअस स्थिति में है। वही डिप्रेशन की स्थिति है जो आमतौर पर व्यक्ति को घेर रही है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमारे अगले सेगमेंट में चलते हैं जहां हमारे साथ हमारे कॉलर्स भी जुड़ जाएंगे। तो दर्शकों, हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट हेलो डॉक्टर में। तो नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं जी हेलो जी। दर्शकों, हमारे हेल्थ टिप्स के बारे में भी हमारे डॉक्टर से हम जानकारी लेंगे और आपसे भी हम सवाल लेंगे। आप सीधे सीधे हमारे शो से जुड़ सकते हैं और हमारे शो से जुड़ने से पहले हम डॉक्टर साहब से कुछ एक सवाल और ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अवसाद क्या है, इसको सबसे पहले कैसे पहचान की जा सकती है? डिप्रेशन की पहचान का जो है वो एक सिम्टम्स होते हैं कुछ, अगर ये आप में है तो डिप्रेशन है, जिसमें सबसे बड़ा सिम्टम हो गया सैडनेस। लगातार आप दुख की स्थिति में बने, वर्दीनेस यानी आपको लगता है कि आपका समाज में कोई स्थान नहीं है, समाज को आपकी ज़रूरत नहीं है। ये स्थिति अगर आप में है तो आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। दूसरा इसका सिम्टम है या तो आपको नींद नहीं आती जिसको इंसोमनिया कहते हैं, या तो इतनी नींद आती कि आप हर समय सोते रहते हैं, हाइपोकाइनेसिया कहते हैं। जी जी। तो ये दोनों स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति आती है कि आप रेस्टलेस बहुत रहते हैं। अगर आप में एंजाइटी की स्थिति है तो आप समझ लें कि डिप्रेशन में है।
चौथी कंडीशन इसी में आती है कि जब आपकी एपिटाइट ठीक होती है लेकिन आपका वेट लॉस होने लगता है, जी जी जी, तो वो एक स्थिति होती है कि आप अपने को डिप्रेशन में कह सकते जी, हैं। जी जी जी। छठी चीज आती है इसमें डिप्रेशन को पहचानने में कि डिप्रेशन का शिकार होता है, डिप्रेसिव स्टेट में होता है पेशेंट, वो बहुत शक्की टाइप हो जाता है, उसको हर चीज पे शक होने लगता है, हर चीज को वो शक की निगाह से देखने लगता जी, है। जी, बिल्कुल। अगर यह कंडीशन है तो भी वह डिप्रेशन की स्टेट जी, में जी, है। जी। तो दर्शकों, आपको विषय के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई है, तो मुझे लगता है कि आप भी सवालों के साथ तैयार होंगे। तो हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट हेलो डॉक्टर में। आप नोट करिए हमारे फोन नंबर्स ताकि आप हमारे शो से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522 220 5756, 0522 88698। दर्शकों, हमें फोन करने से पहले कृपया अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जरा धीमा कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आप हमें डिप्रेशन के बारे में बता रहे थे, आपने उसके अलग अलग स्टेजेस बताए, तो हमें ये बताइए अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन होता है यानी अवसाद होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, परिवार में सबसे पहले डिप्रेशन होता है किसी को तो हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अब खड़े होने का मतलब ये हो गया कि आपको उसकी जो मानसिक स्थिति है, जिस लेवल की वो ग्रीफ में है, यहाँ पे मैं दर्शकों को एक बड़ी अच्छी जानकारी और देना चाहूंगा इसकी स्टेजेस के विषय में। जी। अभी तो सिम्टम का जिक्र हुआ, मैं स्टेज बताना चाहूंगा। देखिए, जिसको डिप्रेशन होता है अगर आप स्टेज समझ लेंगे तो आप अपने मरीज की मदद कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है उसमें मरीज डिनाइल में होता है। ये एलिजाबेथ साहब ने इसको डिफाइन करा है। इसमें 5 स्टेज होती हैं डिप्रेशन की। नॉर्मली ये स्टेजेस नहीं होती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि यही 5 स्टेजेस से होके मरीज गुजरता है। पहली स्टेज होती है कि वो डिनाइल में, वो कहता है साहब हमको डिप्रेशन नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटीज डिप्रेशन वाली करता है। जी। तो इसको तमाम परिवार और तरह से इंटरप्रिटेट कर लेता है। परिवार को ये समझ जाना चाहिए व्यक्ति को कि वो डिप्रेशन में है और वो डिनाइल कर रहा है। डिनाइल के बाद आता है गुस्सा, एंगर। जी। वो फिर एक एंगर की स्टेट में आ जाता है। जी। गुस्से के बाद वो आता है बार्गेनिंग की स्टेज में। जी। बार्गेनिंग में ये होता है कि वो मरीज जो है वो परिवार वालों के साथ एक कायम करके अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार्गेनिंग शुरू करता है डिप्रेशन की स्थिति में। जी जी जी। और उसके बाद एक स्टेज आती है एक्सेप्टेंस। उसके बाद वो जो स्टेज होती है उसमें मरीज एक्सेप्ट करता है कि हम डिप्रेशन में चले गए। जी। तो जब ये एक्सेप्टेंस की स्टेज आ जाए, पहले तो परिवार इसको आने ना दे, और अगर एक्सेप्टेंस की स्टेज आ रही है तो उसके साथ खड़ा हो, थोड़े दिन उसी की लाइन पे चले। ये एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, उसको विरोध में ना जाए कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी। बोले ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आप करके देख लीजिए। परिवार को सहयोग देना चाहिए, परिवार को सहयोग देना चाहिए, और सहयोग साथ में खड़े रह के उसी की लाइन पे, मरीज की लाइन पे चल के वो सहयोग होना चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है तनाव और अवसाद या डिप्रेशन ये सब एक ही चीज है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें मैं 3 टर्म लाना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को उत्सुकता होगी, जो लोग इससे गुजर रहे हैं वो ये सब यूट्यूब पे सर्च कर चुके होंगे, तमाम मीडिया पे और तमाम बुक्स में सर्च कर चुके होंगे। इसमें एक आता है साइजोफ्रीनिया। मैं 2-3 टर्म का नाम लेना चाहूंगा अपने दर्शक की अवेयरनेस के लिए। एक आता है साइजोफ्रीनिया, एक आता है डिप्रेशन जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, और एक आता है स्ट्रेस जिसकी आपने बात करी। बिल्कुल। तो डिप्रेशन जो है का जो उग्र फॉर्म है वो आ जाता है साइजोफ्रीनिया। साइजोफ्रीनिया वो कंडीशन होती है जब आपको हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन्स होने लगे, यानी आपको सुनाई पड़ने लगे, कहीं से आवाज़ें आ रही, कोई आ रहा है, या फिर आपके मन में भ्रांति डेवलप होने लगे कि यही सही है, तो वो साइजोफ्रीनिया है। उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो विषय नहीं है, लेकिन वो डिप्रेशन से जुड़ा है। दूसरी चीज़ आती है डिप्रेशन जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ आपने कही स्ट्रेस। जी जी। स्ट्रेस मोमेंटरीली होता है, थोड़े वक्त होता है, तनाव आता है, तनाव चला जाता है। किसी का एग्जाम है, मैं आपको एक बच्चे को लेके, दर्शकों में उत्सुकता होगी और दर्शक सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं आजकल, तो मैं बच्चे के एग्जाम्पल देके स्ट्रेस और डिप्रेशन को आपको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। जी। बच्चे का एग्जाम हुआ। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, हम ये एग्जाम्पल पे आगे आएंगे, आइए उनका सवाल ले लेते। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है? जी,
मैडम नीरज कुमार बोल रहा हूँ। जी हाँ जी 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 नीरज जी बताएं। सर मैडम बड़े भाई हैं वो थोड़ा डिप्रेशन से पीड़ित हैं, मतलब हर बात में शक करते हैं, जी छोटी छोटी बात। जी नीरज जी, जो आम तौर पे आपने सवाल उठाया, ये तमाम दर्शकों का सवाल होगा, आप उसकी आवाज बन गए हैं। शक, जैसा मैंने बताया कि डिप्रेशन का एक सिम्टम होता है, देखिए वो सामने आ गया। शक जो कर रहा है डिप्रेशन की स्थिति में, उसको आप करने दें, उसको आप एक छोटा सा काम करें। एक होम्योपैथी में दवा आती है नक्स वोमिका, नक्स वोमिका को 30 पावर में दिन में 3 बार आप दे दें, उनका शक दूर हो जाएगा। और जब तक आप उनके शक को जस्टिफाई करते रहे, आप देखेंगे वक्त इतना बड़ा हीलर होता है। डिप्रेशन में आपको वक्त को हीलर मानना पड़ेगा जी। समय को आपको सही करने की सही करने का माध्यम मानना पड़ेगा। एक डिप्रेसिव पेशेंट को आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर वो नीरज जी वो शक कर रहा है, कर रहे हैं, तो आप उनके शक को काटिए मत। आप थोड़े दिन उनकी लाइन से चल लीजिए, वो अपने को खुद ही गलत साबित होके खुद ही उस चीज से बाहर निकल आएंगे और फर्दर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जी। साथ में आप नक्स वोमिका 30 दे दीजिए दिन में 3 बार 15 दिन तक, आप देखेंगे कि आपके भाई साहब बिल्कुल ठीक हो गए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे शो से जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे स्कूल के एग्जाम वाले बच्चे, एक छोटा सा बच्चा है वो एग्जाम देने गया। जी जी उसको स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। बिल्कुल स्ट्रेस इस बात के लिए है कि वो अच्छा करेगा, इसलिए वो एक स्ट्रेस ले रहा, तनाव ले रहा, वो क्षणिक होता है। जैसे ही वो पेपर करने बैठा वैसे ही उसने पेपर बहुत अच्छा करा, वो हो गया स्ट्रेस। बिल्कुल, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उसने अपनी बढ़ा ली। बिल्कुल डिप्रेशन वो हो गया कि वो पेपर देने गया और पेपर अच्छा नहीं कर पाया, उसको ये लगा वो लिख ही नहीं पाएगा और वास्तव में वो लिख नहीं पाया। जी जी। अगर यह कंडीशन हो गई तो यह जो है वह डिप्रेशन है, और अगर वो पेपर अच्छा करके आया तो वह स्ट्रेस है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब इसके सिवा हमें ये बताइए कि कई बार कहा जाता है कि लोग अवसाद में इतना ग्रसित हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते हैं, तो हाँ निश्चित रूप से सुसाइड जो है एक सिम्टम है। जी सुसाइड एक सिम्टम है और आत्महत्या का कदम उठाते हैं जी। और इसीलिए परिवार का प्रेजेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप आत्महत्या करने वाली स्थिति मरीज में आती है डिप्रेशन में, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि तीन तरीके हैं, एक है पारिवारिक काउंसलिंग, जी परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठें और सब मिलके उसकी काउंसलिंग करें और थोड़े दिन उसी की लाइन पे चलें। दूसरी स्थिति आती है आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से तुरंत मिलें, वो आपको बताएगा। इस समय तमाम सामुदायिक केंद्र और सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन एमडी साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकेट्रिस्ट से मिल लें वो ठीक करेगा। और तीसरी स्थिति आती है आप उसे होम्योपैथिक दवा इग्निशिया दे दें। इग्निशिया हमारा 30 दो बूंद दिन में 3 बार और साथ में ऑरम मिटेलिकम 30। जी, अगर आप यह दो दवा हमारे दर्शक कोई भी ऐसा डिप्रेशन का मरीज जो सुसाइड करने की स्थिति में उसको दे देते हैं, तो वो पाएंगे कि मरीज का सुसाइड करने का थॉट खत्म हो गया, उसकी सुसाइड करने का विचार खत्म हो गया। जी जी जी। डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चलेगा कि अभी परिवार में है, हम बातचीत के जरिए उनकी बातों पे सहमति जरा जताकर हम लोग शायद उनकी डिप्रेशन कम कर सकते हैं परिवार के जो भी संबंधी हैं, या हमें डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिए, इसका कुछ आप देखिए सुसाइड करने की किसी की स्थिति हो रही हो डिप्रेशन में, तो एक अल्टीमेट स्थिति है, आपको जरूर साइकेट्रिस्ट से राय ले लेनी चाहिए। लेकिन साइकेट्रिस्ट भी यही कहेगा वो परिवार की ही काउंसलिंग करेगा जी। और फैमिली की काउंसलिंग करके, परिवार की काउंसलिंग करके वो उनको ही डिप्रेशन के विषय में बताएगा। जी जी जी। और जैसे जो सुसाइड की कंडीशन में है उसको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, नींद उसको अच्छी दी जाए, नींद अच्छी दी जाए। आजकल मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा, आमतौर पे आजकल एक फैशन चला है कि बेडरूम इतना अच्छा बना देते हैं, उसमें इतना ज्यादा सामान रख लेते हैं कि वही सामान सोने नहीं देता। फोन तो सबसे बड़ा कारण है ही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, फोन बिल्कुल, के अलावा व्यक्ति कहता है ऑडियो सिस्टम भी लगा लें, टीवी भी लगा लें, 4 तरह की लाइटें भी घूमती हुई नाचती हुई लाइटें भी चलने लगे, तो यह उचित नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है सर। आप बात कर कोई नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शायद यही उस कॉलर को भी हेल्प करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि बेडरूम को आप बहुत प्लेन रखें जी,
नींद अगर आप 6 घंटे की डीप स्लीप ले रहे हैं, रिफ्रेशिंग स्लीप ले रहे हैं, तो आपके डिप्रेशन में जाने की संभावना ही कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने बेडरूम को बहुत हल्का रखें, बहुत प्लेन रखें। जरूरी नहीं कि पैसा हो तो आप सामान ज्यादा खरीदें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चैन की नींद लें, वो बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा नुस्खा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप दूध में शहद मिला के रात में पी लेते हैं जी, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपको नींद बहुत अच्छी आएगी तो आप अवसाद यानी डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। यह 5000 साल पुराना नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और हम लोग इसको अपने क्लिनिक पे अपने मरीजों को देकर सक्सेसफुली उनको ठीक होते देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा नुस्खा आपने दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और बात कही जाती है कि जो लोग अवसाद में होते हैं या तो वो बहुत ज्यादा सोते हैं या उनको बिल्कुल नींद नहीं आती, क्या ये सही है? जी हाँ, ये पूरी तरह सही है। जो डिप्रेशन में होते हैं उनकी हर चीज ऐसी होती, या तो वो चलते हैं तो बहुत धीमे चलते हैं, या वो बहुत रेस्टलेस होकर बहुत तेज चलते हैं, या तो उनको कम नींद आती है या बहुत ज्यादा नींद आती है, या तो वो बहुत कम खाते हैं और कभी कभी डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। तो ये डिप्रेशन का जो हाइपर एक्टिविटी है यह डिप्रेशन में होती है। और यहाँ पर मैं इसके जो है सिम्टम्स की हम लोगों ने बात करी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, देख लेते हैं उनका सवाल। हेलो 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 जी मैडम, मेरा नाम राम बाबू है। जी राम बाबू, स्वागत है आपका हमारे शो में, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा एक लड़का है 3 साल का, तो वो चलता फिरता नहीं कुछ भी, उसकी वजह से सर मेरी घरवाली अक्सर टेंशन में रहती है। जी राम बाबू जी, आपके सवाल बिल्कुल सही है। परिवार का जब एक व्यक्ति चलने फिरने वाला नहीं होगा, बच्चा वो भी चलने वाला, जो भविष्य है आपका वो चलने फिरने वाला नहीं होगा, तो मन में कौतूहल पैदा होगा, मन में परेशानी पैदा होगी। लेकिन आप घबराए ना, इसमें दो बातें हैं, मैं आपके दोनों हल दूंगा। ये दूरदर्शन ही शायद ऐसा माध्यम है जो आपको जेन्युइन राय मिलती होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। पहला हल मैं दूंगा आपको बच्चे के लिए, वो चलता फिरता नहीं है। मैं बहुत हिस्ट्री तो आपकी नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा कह रही है, एक दवा मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसको खिला दीजिएगा। वो अगर उसका बच्चे को, हाँ बच्चे क्यों नहीं चल फिर रहा है? जी सर, वो क्या उसको दिमागी प्रॉब्लम है। दिमागी क्या प्रॉब्लम है सर? मैंने उसको कोटा दिखाया था सर, राजस्थान के कोटा में। हाँ हाँ, तो वहां से बताया था सर, एक दवा दी थी मेरे को 3 साल के लिए, वो 3 साल तक जारी रखी मैंने। हाँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसको, दौरे आते हैं सर। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की जन्म डेट ऑफ बर्थ है सर 1/16/2016 है, जनवरी 2016। हाँ ठीक है, तो एक आप दवा नोट करें राम बाबू जी, बराइटा कार्बोनिकम। क्या सर? बराइटा कार्बोनिकम। बराइटा कार्बोनिकम, हाँ 30 पावर में जो है, इसको आप 2-2 बूंद दिन बाद बच्चे को 6 महीने तक दे दें। अच्छा, आप देखेंगे कि आपका बच्चा चलने लगेगा। तो सर ये आपकी तरफ से मैसेज में आ जाएगा क्या सर? मैसेज कर दोगे क्या दवा का नाम? आप नोट कर लें, बहुत छोटी सी बात है, बराइटा कार्ब 30 जी। हाँ, और दूसरी बात इसमें समझिए, आप पहले सुन लीजिए सारी बातें। दूसरी बात, जो आपकी वाइफ को जो उस बच्चे की स्थिति को देख के उनको डिप्रेशन हो रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है, सीपिया। हाँ, आप सीपिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार अपनी वाइफ को दे दें, उनका डिप्रेशन बच्चे को देखकर जो होता है वह दूर हो जाएगा। और साथ में ये उम्मीद करें, उनको ये उम्मीद दिलाएं कि आपका बच्चा जल्दी सही हो जाएगा, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ आपका बच्चा सही हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसके लिए अच्छी सी आपको दवा बताई। सर बच्चे के लिए क्या थी? बराइटा कार्ब। हाँ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 6 महीने तक। जी सर धन्यवाद। और अपनी वाइफ का हौसला बढ़ाते रहे, ये कहते रहे कि जल्दी बच्चा सही हो जाएगा, और वास्तव में बच्चा सही हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो से जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे लाइट्स की और बाकी चीजों की, आप बताएं। हाँ, उसमें मैं एक बात को जोड़ रहा था मैडम, एक जो इस परिवार में हमारे दर्शकों को जानकारी ये भी मिल जानी चाहिए कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं। जी जी, सिम्टम की हम लोगों ने बात कर ली, कैसे पहचाने, अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात है। अगर किसी को भूख ज़्यादा लग रही है या बहुत कम लग रही है, किसी का वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, तो वह डिप्रेशन में हो सकता है। वो रेस्टलेस है, उसमें एंजाइटी है, सैडनेस है, वर्दीनेस नहीं है, यानी सोचता है हमारे समाज में कोई कीमत ही नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसी उसमें मौजूद हो रही है जी।
नींद पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ सब उसके वो सिम्टम्स होते हैं। कॉज इसका हार्मोनल होता है एक। अच्छा। कभी कभी हार्मोन्स ऑल्टर्ड होते हैं, जब जैसे कि आप आफ्टर डिलीवरी महिला होती हैं, महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत सी महिलाएं होती हैं जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो एक हार्मोनल कॉज होता है, उसके मैं निदान पर भी अभी आऊंगा। उसके अलावा कभी आपको चोट लगी होती है, उसके बाद व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। कभी किसी बच्चे साथ बचपन में गलत व्यवहार हुआ होता है, उसके कारण वो बड़ा चल के डिप्रेशन में हो जाता है। जी। तो तमाम इस तरह के कारण होते हैं, ये सब जो डिप्रेशन के कारण होते हैं, और कारण पहचान के ही उसका प्रॉपर इलाज हो जाता है। जी सर, आप अभी प्रेग्नेंट लेडीज के डिलीवरी के बाद वाले डिप्रेशन की बात हाँ, कर रहे थे, ये... लेकिन उस पे हम आएंगे, उससे पहले कॉलर ले लेते हैं सर। हेलो 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 जी मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में, आपका सवाल पूछिए। मेरा नाम जी हाँ जी मैम, मेरा नाम कविता मदान है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी स्वागत है मैम आपका हमारे शो में, आपका सवाल क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डिप्रेशन का इलाज होम्योपैथिक में है? जी हाँ मैडम, डिप्रेशन का इलाज निश्चित रूप से होम्योपैथी में है, तमाम बहुत अच्छी दवाएं होम्योपैथी में जो कि हम लोग आमतौर पर पेशेंट को देते हैं और सफल इलाज में ठीक होते हैं। एक दवा जो आपने सुनी होगी बड़ी कॉमन, काली फॉस एक बहुत सस्ती दवा है लेकिन बहुत अच्छी दवा है डिप्रेशन की। जी। उसके बाद जो आजकल की समस्या आती, बच्चे डिप्रेशन में बहुत रहते हैं, आजकल की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतनी ज्यादा अपेक्षाएं हो गई हैं बच्चों से कि बच्चे उसके दबाव में आके डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने बड़ा अच्छा काम करा है, एनसीईआरटी ने कोर्स को बहुत कम करा है, कोर्स को बड़ा वाइबल बनाया है, किताबों को हल्का करा है, बस्तों को बैग्स को बच्चे के हल्का करा है, लेकिन फिर भी जो सामाजिक दबाव बच्चों पे पड़ रहा है, आज वो स्थिति है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99% कट ऑफ लिस्ट हो रही है, 99.6% पे सीटें भरी जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस मामले में बहुत अच्छी दवा है, मैं 3-4 दवाओं का जिक्र भी करना चाहूंगा, मैडम ने सवाल उठाया है। पहली दवा करण, बच्चे एग्जाम जाने से पहले डरते हैं, एक डिप्रेशन में आ जाते हैं टेम्परेरी, तो उसकी बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम, दी जा सकती है। फिर दूसरी स्थिति आती है, बच्चे प्यूबर्टी की स्टेज में होते हैं, उस समय डिप्रेशन में आ जाती हैं लड़कियां किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, उसकी बहुत अच्छी दवा सीपिया है, आप सीपिया बच्चे को 30 पावर में देके उसको ठीक कर सकते हैं। जी। काली फॉस का हमने जिक्र करा, इग्निशिया टॉप दवा है होम्योपैथी में डिप्रेशन को खत्म करने की, इग्निशिया। उसके बाद सुसाइडल टेंडेंसी अगर किसी में हो रही है तो ऑरम मिटैलिकम बहुत अच्छी दवा है सुसाइडल टेंडेंसी को खत्म करने की, अगर शक की स्थिति हो रही है तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में डिप्रेशन को खत्म करने की, अगर बेचैनी रात में ज्यादा हो रही, नींद नहीं आ रही है तो उसकी होम्योपैथी में चलना फिरना ज्यादा, मरीज रेस्टलेस चल रहा है, आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में। तो जो मैडम ने बात कही मैं उसी पॉइंट को स्ट्रेस कर रहा था कि तमाम सिम्टम की होम्योपैथी में बेहतरीन दवाएं हैं जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हैं। जी जी, और होम्योपैथिक दवाएं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और डिप्रेशन से परिवार और दवा और साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट तीनों चीज मिलकर निश्चित रूप से मरीज को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं सूरत गुजरात से, आइए उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैडम। हेलो सर, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ मैडम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सवाल पूछिए आपका। सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था मैडम, मैं पिछले 6 महीने से डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ जी, और अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो ये दवाई चालू रखनी है या बंद करनी है? कौन सी दवा ले रहे हैं भाई? मैं पैक्सीडेप सीआर 12.5 आता है ना, वो ले रहा था जो मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मुझे दी थी। बिल्कुल सही है, अगर आपको किसी दवा से फायदा आए तो आप जरूर जारी रखिए, लेकिन मैं आपसे 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात मेरे भाई, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप डिप्रेशन से निकलने की अपनी लड़ाई लड़िए, दवा के सहारे कम से कम रहिए, क्योंकि दवा जब तक आप कर रहे हैं तब तक वो आपको सहारा दे रही है। आपको मैं कहना चाहूंगा आप थोड़ा योग करिए, अगर आप करना चाहें तो गहरी सांसें लेना शुरू करिए, सुबह 1 से 2 घंटा अपने ऊपर दीजिए। आज की जो जद्दोजहद हो गई है उसमें क्या होता है, सो के उठते हैं और फोन आने लगते हैं और व्यक्ति अपने काम पे लग जाता है। 10 बजे मुझे आपका कारोबार और काम नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फोन अपना 10 बजे के बाद खोलिए। ठीक है, धन्यवाद। और एक ही सवाल पूछना चाहता था,
कि ये पेक्सीडेप सीआर मुझे जब डॉक्टर ने लिखी थी उससे पहले मुझे घबराहट के दौरे पड़ते थे, तो उसकी उसकी वजह से मुझे ये दवाई दी थी, तो वो क्या ठीक है? नहीं, दवा बिल्कुल सही है क्योंकि आपको फायदा हुआ और डॉक्टर साहब जो देंगे वो बेहतर देंगे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं अब आपको इस दवा के बाहर भी निकलना है, होगा तभी आपने ये सवाल करा, तभी तो आपने फोन करा। तो हम कह रहे थे अपने पे जिस दिन आप वक्त देने लगेंगे सुबह दो घंटे, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी देखिए योगा करने से लेके अब इतने बड़े बड़े फैसले वो ले लेते हैं जो कि सोच से परे हैं, जिनका जिक्र करने का कोई लाभ नहीं है, और जो एक घंटा दो घंटा वो योगा की कैंपेन चलाते हैं, सुबह फिटनेस की कैंपेन चलाते हैं, तो वास्तव में योगा बहुत अच्छा है। एक अरब 35 करोड़ लोगों को जो मोटिवेट कर रहा है अपने काम से, तो उसकी लाइन को हम लोग को फॉलो करना है। और आपके यहाँ भी लिखा है, हमारे यहाँ भी लिखा है कि सुबह 5 बजे उठ के इबादत करनी है, और इबादत करके अपने पहले एक घंटा अपनी सोच में लग जाना है। तो जिस दिन आप वो लग जाएंगे तो आपको घबराहट का दौरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे दिन की एक स्ट्रेटेजी बना चुके होंगे, उसको कागज पे लिख चुके होंगे, तो फिर आपको घबराहट किस बात की होगी? लक्ष्य सामने होगा, तरीका आपका कागज पे लिखा होगा लक्ष्य पाने का, तो घबराहट खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो से जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारा समय हो चुका है कि हम अगले सेगमेंट यानी हमारे शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ें, हेल्थ टिप्स। तो दर्शकों, हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट हेल्थ टिप्स में। हेल्थ टिप्स बहुत ही बढ़िया विषय है, और मैं कहूंगा मेरे इस प्रोग्राम का सबसे फेवरेट विषय ये है। ऐसा इसलिए है कि कहा जाता है कि बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है, तो अगर आप हेल्थ टिप्स पे चलेंगे, अपना बचाव करेंगे, तो इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ कुछ बढ़िया सी बातें। पहली बात जो अभी मैं बता रहा था तकी साहब को, कि सुबह आपको जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है, और 2 घंटे अपने लिए देने हैं, जिसमें आधा घंटा इसको आप डिवाइड कर लेना है, आधा घंटा आप पूजा पाठ के लिए इबादत के लिए रख सकते हैं, आधा घंटा आप अपना दिन भर का जो आपको काम करना है उस स्ट्रेटेजी का रख सकते हैं, और 1 घंटा आप योग